नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। आज दिनांक 27/11/22 को जन साहस संस्था द्वारा विभिन्न गांवों में बनाई गई बाल पंचायत की सामूहिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हर बाल पंचायत के माध्यम से छोटी बड़ी समस्याएं रखी गई और उन समस्याओं को संबंधित विभागों और पंचायत अधिकारी को अवगत कराया जाएगा, जो कि बाल पंचायत के पद पर नियुक्त बच्चों द्वारा ही संबंधित विभागों से मिलकर समस्याएं बताई जाएंगी। साथ ही संस्था समन्वयक रविंद्र खांडेकर द्वारा बच्चों को संविधान दिवस की जानकारी दी, साथ ही बच्चों पर होने वाली हिंसा रोकथाम पर भी जानकारी देकर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर पुलिस 100, चाइल्ड लाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 109091, जनसाहस महिला हेल्पलाइन 1800300 2852, मजदूर हेल्पलाइन 1800200011 की जानकारी देकर बच्चों को भी नहीं डरने की हिदायत दी गई और बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त बालक बालिका को पुरस्कृत किया गया। बच्चों में खुशी और ऊर्जा का माहौल बना बच्चों को, जिसमें बच्चों द्वारा आगे भी इस प्रकार की मीटिंग का आयोजन करने के लिए कहा गया। मीटिंग में कुल 5 गांव साली, भागसुर, पोखलिया, खेड़ी, उमरिया के बच्चों द्वारा भागीदारी की गई। साथ के फील्ड कार्यकर्ता रविंद्र सिंह राठौर, रिंकू चौहान व गायत्री निगवाल उपस्थित रहे। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामानिया की रिपोर्ट। जी सर, भास्कर हम लोगों ने आज जनसाहस संस्था के माध्यम से एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जो कि भागसुर में किया है, और हमने संस्था द्वारा कई गांव में, कम से कम 20 गांव में बाल पंचायतों का गठन किया है, जिसमें से हमने 4 से 5 बाल पंचायतों को भागसुर में बुलाया और वहां पर एक जागरूकता शिविर किया, और उसी के साथ हमने बच्चों के साथ खेल गतिविधि और उनके साथ पुरस्कार भी दिया, और हम लोगों ने जो गाँव की समस्याएँ हैं, समस्याओं पर हमने चर्चा की और कुछ गाँव से समस्याएँ निकली हैं, उन समस्याओं को लेकर बाल पंचायत के बच्चों द्वारा अधिकारियों को और सरपंच महोदय को आवेदन दिया जाएगा और उसका निराकरण कराया जाएगा। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।